डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेट्स मेजर्स। इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है और माइक्रो प्रोसेसर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैं वो इसमें बताने जा रहा हूँ, जो कि आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट तो है ही, साथ के साथ अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें तो उसमें भी कहीं ना कहीं इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। तो देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें CPU माइक्रो प्रोसेसर, बात एक ही है। CPU जो है वो जनरली हम जनरल टर्म में बोल देते हैं, बट उसकी एक्चुअल में जो इंप्लीमेंटेशन है वो है माइक्रो प्रोसेसर। और अगर हम बात करें माइक्रो प्रोसेसर की, तो जब से ये टर्म माइक्रो प्रोसेसर आया है और इसको जब से हम लोग ने और ज्यादा शॉर्ट कर दिया, और ज्यादा कॉम्पैक्ट कर दिया है, तब से साइज ऑफ द CPU इज गेटिंग लेसर। अदरवाइज क्या था कि जो CPU का साइज है वो बहुत बड़ा था पुराने टाइम की अगर हम बात करें, लेकिन जैसे जैसे सिस्टम आया SSI, MSI, उसके बाद VLSI, तो वहां से लेके जब अब हम बात करते हैं तो सिस्टम का साइज जो है वो बहुत ही छोटा हो गया। तो देखो, माइक्रो प्रोसेसर इज अ स्मॉल साइज्ड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट इनसाइड अ कंप्यूटर दैट कैरीज आउट वेरियस टास्क इन्वॉल्व्ड इन द डेटा प्रोसेसिंग एज वेल एज अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। वही CPU वाली डेफिनेशन है, बस इसको हम थोड़ा सा इस तरीके से बोल देते हैं कि CPU जनरल टर्म है, इट इज एक्चुअली द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द CPU। माइक्रोप्रोसेसर इज बिल्ड ओवर एन इंटीग्रेटेड सर्किट कंप्राइजिंग मिलियन ऑफ स्मॉल कंपोनेंट्स लाइक रेजिस्टर्स, ट्रांजिस्टर्स एंड डायोड। सो आपको मैंने इंटीग्रेटेड सर्किट्स का पूरा कहानी बताई थी लास्ट वीडियो में, वही चीज मैं यहाँ पे दोबारा से मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि एक ही स्मॉल चिप के ऊपर आपके रजिस्टर्स जो है या फिर ट्रांजिस्टर्स, डायोड्स, इनको कंबाइन करके जो है वो बनाया हुआ है माइक्रो प्रोसेसर, और उसका काम क्या है, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करना। और देखो, साइज क्यों कम होता जा रहा है 1950 से लेके अगर हम 2000, अब अगर हम बात करें तो हमारा सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन जो है वो इस तरीके के माइक्रोप्रोसेसर आज के टाइम पे आ रहे हैं, जिनको हम फिफ्थ जनरेशन माइक्रोप्रोसेसर भी बोलते हैं। मोर देन 10 मिलियन नंबर ऑफ क्या है आपके ट्रांजिस्टर्स, अदर्स जो कंपोनेंट्स है वो एक ही चिप के ऊपर जो है वो लगा दिए गए हैं। देन अगर हम बात करें यहां पे हिस्ट्री ऑफ माइक्रो प्रोसेसर की, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, अभी हम लोग जो है वो फिफ्थ जनरेशन में है, जिसमें हमारे पास पहले पेंटियम था, सेलरॉन था, ज़ियोन था, उसके बाद आपका क्वाड आया, ऑक्टा आया, जो हम बात करते हैं ऑक्टा की, क्वाड की, वो सारे जो है वो फिफ्थ जनरेशन में आते हैं। उससे पहले आपके यही थे इंटेल 8080, मोटरोला, इंटेल 8086, ये सारे जो है आपको मतलब क्रैम करने की जरूरत नहीं है, जस्ट एक बार गो थ्रू कर लो ताकि आपको एटलीस्ट पता लग जाए कि किस टाइम पे कौन सा चल रहा था। वर्ड साइज की अगर हम बात करें तो ये आपका 4 to 8 bit, आज हम लोग बात करते हैं 64 bit, विंडोज हम यूज करते हैं ना, तो 64 bit विंडोज आपने सुना होगा, तो 64 bit विंडो यूज करते हैं। 32 bit भी कहीं कहीं यूज होती है, लेकिन रिकमेंडेड अब यही है कि मैक्सिमम आप 64 bit जो है वो विंडो यूज करो, क्योंकि वर्ड का साइज अभी जो है वो कितना चल रहा है, 64 bit, जिसको हम 8 byte भी बोल सकते हैं। क्लॉक स्पीड, ऑब्वियसली क्लॉक स्पीड जितनी ज्यादा होगी, नंबर ऑफ क्लॉक्स उतनी ज्यादा जनरेट होंगी और उतना ही फास्ट जो है वो प्रोसेसर वर्क करेगा, और इसको बोलते हैं मल्टी कोर। ये आपको पूरी कहानी बताता हूं। सबसे पहले वर्ड साइज क्या है कि प्रोसेसर एक बार में कितनी बिट्स को पैरेलली जो है वो प्रोसेस कर सकता है, दैट इज अ वर्ड साइज। तो यहां पे अब आज के टाइम पे अगर हम बात करें तो हम लोग 64 bit वर्ड जो है वो यूज कर रहे हैं, तो 64 bit का मतलब क्या है कि आपकी जो उसकी वजह से मेमोरी की रिक्वायरमेंट भी होगी ज्यादा, और प्रोसेसिंग भी आपकी कहीं ना कहीं फास्ट हो चुकी है। और अगर हम बात करें मेमोरी के साइज की, तो डिपेंडिंग ऑन द वर्ड साइज द साइज ऑफ द रैम ऑल्सो वेरीज। ऑब्वियसली वर्ड साइज बढ़ गया, तो पहले जो रैम थी वो भी कितनी आती थी MBs में, आज के टाइम पे अगर हम रैम की बात करें तो 16 GB, 32 GB तक तो नॉर्मल हमारे लैपटॉप में ही आने लगी, और 64 आपके बिट साइज की वजह से, वर्ड साइज की वजह से अभी एक्साबाइट तक की मेमोरी को भी क्या करती है, सपोर्ट कर सकती है, तो ये आपकी पॉसिबिलिटी है। देन क्लॉक स्पीड की बात करें तो क्लॉक स्पीड भी ऑब्वियसली नंबर ऑफ पल्सेस दैट इज जनरेटेड पर सेकंड, और जैसे हम इसको हर्ट्ज में मानते हैं, किलो हर्ट्ज, मेगा हर्ट्ज, गीगा हर्ट्ज, अब तो सिस्टम आपके जो CPUs है वो गीगा हर्ट्ज तक की स्पीड में, मतलब एक काम को अगर करना है तो गीगा हर्ट्ज का मतलब क्या है, 10^9 आपके जो है वो टोटल क्लॉक पल्सेस जनरेट हो सकते हैं, तो इतनी हाई स्पीड जो है वो आपकी बन रही है। देन कोर्स की बात करें तो कोर्स क्या है, कितने कंप्यूटेशनल यूनिट्स हैं। हम लोग बात करते हैं मल्टी प्रोसेसिंग आर्किटेक्चर की, कि हमारे पास मल्टीपल प्रोसेसर्स हैं, लेकिन अगर हम मल्टीपल CPUs लगाएंगे ना अपने लैपटॉप में तो कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगी, साइज भी बढ़ेगा, तो बेटर क्या है, कॉस्ट इफेक्टिव और साइज इफेक्टिव बनाने के लिए क्या करते हैं,
कोर्स ज्यादा लगा देते हैं, जैसे ड्यूल कोर, क्वाड कोर, ऑक्टा कोर। ऑक्टा कोर का मतलब क्या है कि 8 कंप्यूटेशनल यूनिट पैरेलली वर्क करते हैं, तो प्रोसेस को थ्रेड्स में स्मॉल साइज प्रोसेसेस में कन्वर्ट करके पैरेलली उनको एग्जीक्यूट किया जाता है, जिससे स्पीड जो है वो बहुत बढ़ती है और वी फील लाइक कि हम लोग मल्टी प्रोसेसर आर्किटेक्चर पे काम कर रहे हैं, ये चीज हमें जो है वो फील आता है उसमें। देन माइक्रो कंट्रोलर की बात करें तो माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर में क्या फर्क है? माइक्रो प्रोसेसर इज ओनली अबाउट व्हाट कि स्मॉल चिप जिसके ऊपर मल्टीपल रजिस्टर्स, ट्रांजिस्टर्स ये सारे वर्क करते हैं, और इसमें हम सिर्फ सीपीयू की बात करते हैं। लेकिन माइक्रो कंट्रोलर अपने आप में एक छोटा कंप्यूटर है जिसका स्पेसिफिक काम ही है, जैसे वॉशिंग मशीन की बात कर लो आप, माइक्रोवेव की बात कर लो, या किसी गाड़ी के सिस्टम की बात कर लो, ऑटोमोबाइल सिस्टम की बात कर लो, उसका जो पर्पज होता है वो स्पेसिफिक ही है। या एसी की बात कर लो, वो सारे एक स्पेसिफिक काम ही करते हैं। लेकिन उसमें जो माइक्रो कंट्रोलर होता है उसकी एक ही चिप के ऊपर आप बोल सकते हो कि वहां पे सीपीयू भी है, वहां पे आपका मेमोरी का आर्किटेक्चर भी है, वहां पे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस भी हैं, और वो सारे कनेक्टेड हैं एक दूसरे से बस के थ्रू। लेकिन उसमें आप एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी ऐड नहीं कर सकते, उसका फिक्स काम है, जैसे वॉशिंग मशीन का फिक्स काम है, जो करती वही करेगी, उसके अलावा एक्स्ट्रा कोई कंप्यूटेशन नहीं कर सकती। ऐसी एसी का, ऐसी माइक्रोवेव का, इन सबका फिक्स काम है, वही चीज करती है। तो वो चीज जब वहां पे माइक्रो कंट्रोलर का यूज किया जाता है, जहां पे स्पीड की हम लोग बहुत बात नहीं करते या कंप्यूटेशनल बड़ी से बड़ी नहीं करते, लेकिन जब हम अपने जनरल पर्पस सिस्टम की बात करते हैं, जनरल लैपटॉप्स की, पीसीज की, तो वहां पे हम लोग बात करते हैं माइक्रो प्रोसेसर की, जिसमें हम लोग सीपीयू की स्पेसिफिक बात करते हैं, क्योंकि वहां पे स्पीड बहुत ज्यादा चाहिए हमें, प्रोसेसिंग स्पीड जिसको हम बोल देते हैं, साइज कम से कम चाहिए, तो वो माइक्रो प्रोसेसर जो है वो अलाउ करता है। थैंक यू।